व्यूज आज हम लोग मौजूद हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? व्यूज़ आज हम लोग मौजूद हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और YouTube की हिस्ट्री में आई थिंक पहली वीडियो या दूसरी वीडियो होगी ये जो कि आप लोग देखेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग यहाँ पर देंगे कि एक नॉर्मल इंसान किस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्या प्रोसीजर होता है उसका, यहाँ पे किस तरह से काम चलता है, कंप्लीट डिटेल मिलेगी आप लोगों को। ये मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ये सारा इनके जो शेयर्स की सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, किस तरह अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, ब्रोकर्स किस तरह काम करते हैं, एक एक डिटेल मिलेगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये है भाई वो रिवायती घंटा जिसको बजा के यहाँ पे बिज़नेस का आगाज़ किया जाता है। सारी ट्रेडिंग हो रही है इस वक्त यहाँ पर भाई, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। वालेकुम, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। ये देखिए सर, इस तरह से यहाँ पर बिज़नेस होता है, सेल परचेज हो रही है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे किस तरह से आप लोग सेल परचेज करते हैं, क्या होता है सिलसिला? जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है कंप्यूटराइज का, ठीक है, डिजिटल है। तो पहले मैं देखता था जो यहाँ पर एक रिंग बना हुआ होता था और आवाज़ें लग रही होती थी और पर्चियाँ चल रही होती हैं, वो सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। पहले मैनुअल ट्रेडिंग होती थी लेकिन ये 2004-5 के बाद ये सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा, तो उस पर आ गए हैं अशर भाई, डिजिटल ट्रेडिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये कि आप ऑनलाइन कहीं दुनिया में कहीं भी आप मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, आप दुनिया में कहीं भी आप एक्सेस इजी कर सकते हैं। बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बना हुआ है इनका, मतलब फिजिकली यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। फिजिकली आप ज़रूरी नहीं है, पहले था कि मैंडेटरी था, अब क्या फिजिकली आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे थोड़ा समझाएं किस तरह क्या कर रहे हैं आप, ये इस वक्त जो सिस्टम पे ये चीज़ें आ रही हैं, फिगर्स आ रहे हैं सारे? सर, इसमें ये शेयर्स के स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं, उसमें मतलब हर कंपनी के स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, उसमें उनके जो प्राइसेस आ रहे हैं, मतलब कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कितना वॉल्यूम हुआ है, कितना हाई लो, उसका एवरेज वॉल्यूम क्या है, और उसकी जो है उसका मतलब किस तरह हायर पे लोअर पे है, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर, तो मुझे आप लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, किस तरह मैं आके काम स्टार्ट करूँगा या फिर क्या प्रोसीजर होगा? ब्रोकर की तो ज़रूरत पड़ती है, इसमें मैंडेटरी है, विदाउट ब्रोकर यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो कोई भी एक ब्रोकर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, देन आप अगर आप मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेट हैं कि मतलब किस तरह ट्रेडिंग होती है, तो आप सेल्फ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो ब्रोकर आपको गाइड करता है प्रॉपर तरीके से कि मैं कब करना चाहिए। कितना जिम्मेदार आदमी हूँ, जाहिल आदमी हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ, उसका मुझे बताएं। उसका ये सर कि पहले आप किसी प्रोफेशनल ब्रोकर को ज्वाइन करें, ठीक है, देन वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि किस तरह अकाउंट खुलता है, किस तरह आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या क्या इनके जो कॉम्प्लाइंस हैं, तो हर चीज़ आपको वो गाइड करेगा। ठीक है, मिनिमम कितने से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? मिनिमम तकरीबन 50,000 से हो जाती है इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मैक्सिमम तो खैर अनलिमिटेड है। ठीक है, सुबह 9:30 बजे बिजनेस स्टार्ट होता है सर? इसमें टाइम फिक्स है, तकरीबन 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 3:30 बजे तक डेली ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और तकरीबन फ्राइडे के दिन इसमें 2 सेशन होते हैं, तकरीबन वो 9 से 4:30 तक होते हैं। 4:30 तक मार्किंग आ रही है रेड और ग्रीन कलर में, ये क्या चीज़ है? सर, रेड जो होता है वो मनफी जोन में होता है और जो ग्रीन होता है वो मुस्बत जोन में होता है। ठीक है, जो शेयर प्राइसेस कल से कितने बढ़े हैं और घटे हैं। अच्छा, अगर सपोज ये सिल्क बैंक की बात करें तो ये तकरीबन आज 35 पैसा प्लस है। प्लस है, सुबह जो था ये लो मारा इसने 1.59। ठीक है, और अभी हाई मारा ये मारा है। अच्छा, ठीक है, ये मतलब अपडेट्स हो रही होती है हर मिनट के बाद या हर डे के बाद? हर सेकंड के बाद। अच्छा, हर सेकंड के बाद अपडेट्स आ रही होती हैं? मिली सेकंड्स के बाद। ठीक है, तो ये अगर ये है कि इसका जो ये रेड निशान जो नज़र आ रहा है ना, कि टोटल वैल्यू का जो होता है 7.5%, जो ग्रीन निशान जो नज़र आ रहा है, जी जी, वो जैसे कि 100 रुपये, ये मिसाल के तौर पे 10 रुपये वाला, एक रुपये वाला शेयर है, ये 5 रुपये का है। ठीक, अगर ये ग्रीन निशान अगर 1 रुपये होगा तो 7.5% ऊपर का लॉक है,
और 7.5% रेड निशान आ जाएगा नीचे का लॉक है, जितना बड़ा आइटम होगा उतना बड़ा लॉक होगा। तो मतलब किस टाइम पे शेयर परचेज करने चाहिए, किस टाइम पे बेचने चाहिए, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग देते हैं? हाँ, ये देते हैं, हमारे भाई देते हैं, जिब्रान भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये समझ लो बहुत अच्छी मशीन है। ठीक हो गया, ठीक है, करते रहते हैं। मगर ये कि बहुत से लोग ये होते हैं कि वो अपना माल लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, एक आइटम इन्होंने नेशनल रिफंड लिया है इन्होंने 700 रुपये का, ठीक है, 772 रुपये का, आज वो नेशनल रिफंड आप देख लें नीचे आ गए। कहने का मकसद है कि रोजाना प्रॉफिट टेकिंग करें, हर दूसरे दिन बढ़ जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट की? मार्केट माशाल्लाह अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा, तो ये कि 48,000 तो हो ही गई है, ये कि 50 से 55,000 का इंडेक्स नज़र आता है, और पाकिस्तान अगर इंशाल्लाह अगर वो ग्रे लिस्ट से हट जाता है तो इंशाल्लाह 60-65,000 पॉइंट नज़र आता है। ज़बरदस्त, अल्लाह की ज़बान मुबारक है। एक आइटम और है जैसे कि इसमें कहलाती है विंडो कहलाती है ना, ठीक है, सेलर परचेजर, ये मैं खोल रहा हूँ जैसे कि सेल बैंक का खोल रहा हूँ ना जी। इसमें आप ये देखें कि इसमें ये जो ब्लू वाले जो हैं ये सारे जो हैं वो बायर हैं, ठीक है, और ये सारे बेचने वाले सेलर हैं। अच्छा, ये सेलर है, ये सेलर है, ठीक है। अब ये जो माल जो उठाएगा ना ये किसी ने लिमिट लगाई है 1.93 पे, ठीक है, और बायर जो है 6,00,000-7,00,000 का ये बायर खड़ा हो गया इसी तरीके से। तो कहने का मकसद ये चीज़ बात रह गई थी, तो इसको फोकस करके अगर काम करेगी ना इंशाल्लाह। मतलब पूरी क्लास लेनी पड़ेगी आपसे यहाँ पर बैठ के समझने के लिए, एक वीडियो तो इसके लिए नाकाफ़ी है, दो चार वीडियोस एटलीस्ट बनानी पड़ेंगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी बैठ के। आपने लगाएं मिसाल के तौर पर अगर आपके अकाउंट में अगर महीने के अगर 10,000 रुपये बन जाए, 20,000 रुपये बन जाए, तो आप उसी टाइम पे मेंबर को आप बोलेंगे आप मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कराएं तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए। ये कि प्रॉफिट टेकिंग करते रहे और अपना इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको बाहर निकालते रहे, ठीक हो गया। ये इसको आज वॉल्यूम शो करना है ऊपर। इस वक्त मैं बैठ चुका हूँ इनके पास यहाँ पर, और माशाल्लाह से दो दो सिस्टम लगे हुए हैं, और ये सब डिटेल्स इनकी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इस हिसाब से यहाँ पे काम होता है भाई। और ये सामने बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे सारी डिटेल आ रही होती है, ये देख सकते हैं सारे ग्राफ मौजूद हैं यहाँ पे, किस तरह से इस वक्त चल रही है मार्केट, सारे ग्राफ आ रहे हैं, सारी कंपनीज के शेयर सामने शो हो रहे हैं। तो भाई ये है पूरी स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरह से यहाँ पर काम होता है ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्त। ये हमारे साथ अमीन भाई मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, और यहाँ पे ये भी काम कर रहे हैं, चलें देखते हैं बताते हैं किस तरह से काम हो रहा है, सारी डिटेल इनसे मालूम करते हैं। ये जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें बाइंग सेलिंग के जो फिगर आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस है, बाइंग सेलिंग होती है जैसे अभी 17 रुपये 71 पैसे और 75 पैसे, 17-71 बायर है, 75 सेलर है, इस तरह ये जो पॉइंट के साथ और वक्त के साथ और रूमर के साथ मार्केट चलती रहती है, अप डाउन होती रहती है। इस वक्त क्या पोजीशन है मार्केट की सर? इस वक्त मार्केट जो मिला जुला रुझान है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छे इंडेक्स हो जाएंगे और अच्छी मार्केट तेज़ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद अली पंजवानी। मोहम्मद अली पंजवानी, अली भाई मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएं यार स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे बिज़नेस किस तरह से होता है, काम किस तरह करते हैं, यहाँ पे शेयर किस तरह परचेज़ करते हैं, कोई नॉलेज नहीं होती है। तो थोड़ी सी मुझे नॉलेज दें इस चीज़ की कि अगर एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर आता है और वो कुछ काम करना चाहता है तो वो किस तरह काम स्टार्ट करें? देखिए, ये है कैपिटल मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वेन्यू है पाकिस्तानी आवाम के लिए बिलखसूस। स्टॉक मार्केट में जो है वो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एग्जांपल दे देता हूँ जैसे OGDC हो गया, PPL हो गया, पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो गया, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो हम देखते रहते हैं, इनको इनकी वर्किंग्स देख रहे होते हैं हम लोग, जो PSO का पेट्रोल पम्प भी देख रहे होते हैं, उसके हसास होते हैं, उसके यानी शेयर्स होते हैं। शेयर्स क्यों होते हैं? वो कंपनीज़ जो हैं वो उनको फाइनेंसिंग्स की ज़रूरत होती है, जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो या बैंक में जाएगा, बैंक से अगर उसको उस हिसाब से उस शरह पे नहीं मिलेंगे पैसे तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो पब्लिक लिस्टिंग कराए उस कंपनी को और पब्लिक से पैसा मांगे कि आप जो है हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं, आप उतने परसेंट के उस कंपनी के मालिक बन जाएं। तो यहाँ पर जो है वो यानी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर अपने ही इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा डालता है और उस कंपनी का थोड़ा पार्टनर बन जाता है, कंपनी के थोड़े एहसास ले लेता है, कुछ शेयर्स का ओनर हो जाता है, ओनर बन जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह से शेयर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे? मतलब अगर मैंने मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, अब मुझे किस तरह से उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा किस तरह मुझे पता चलेगा उसका? देखें, ये जो है ना टाइमली इन्वेस्टमेंट करने का होता है, ये हर वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करने का होता है। इसमें आपको ना रोलिंग करनी होती है, आपको सेक्टर वाइज रोलिंग करनी होती है, आपको
यानी जो मामलात बनते जा रहे हैं, जैसे अभी बजट आया तो बजट में कौन सी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कौन से सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी की होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मार्केट के रेट्स का यानी लेवल काफ़ी बढ़ गए, तो वो टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने की होती है, वहाँ पर एग्जिट करने का होता है यानी प्रॉफिट टेकिंग करके। तो वो जो गाइडलाइंस हैं, जो भी गाइडलाइंस है, वो आपको आपका ब्रोकर बताएगा। अच्छा, ब्रोकर बताएगा। टोटल 240 ब्रोकर लिस्टेड हैं इस मार्केट में, और इसमें से आपके टॉप जो ब्रोकर्स हैं, मैं आपको गिनवा दूँ, इसमें AKD सिक्योरिटीज़ हो गया, वन ऑफ द टॉप ब्रोकरेज फार्म हो गया, जहांगीर सिद्दीकी है, आरिफ हबीब है, जहांगीर सिद्दीकी है, फवाद यूसुफ है, इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ है, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ है, MRA सिक्योरिटीज़ है, इस तरह के ब्रोकरेज हाउस है, इस तरह के ब्रोकरेज फर्म में आप अकाउंट खोलें और वो आपको क्वालिटी चीज़ें देंगे, वो आपको साथ में रिसर्च भी बताएंगे, उनके जो डीलर्स हैं, उनके जो ट्रेडर्स बैठे हैं, वो भी आपको वक्तन फरवक्तन बताएंगे कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, इस स्क्रिप्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, इस स्क्रिप्ट में आपको यानी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर मिसाल के तौर पे मैं एक स्टॉक एक्सचेंज को नहीं जानता, मैं अगर चाह रहा हूँ बिजनेस करना, तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ब्रोकर के थ्रू ही होगा, ब्रोकर के चैनल के थ्रू ही आप है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, तो वो ब्रोकर ऑथराइज होते हैं सब चीज़ें करने के, या उनके कोई लिमिट्स होती हैं, क्या सिलसिला होता है उनके? उनके ट्रेडिंग राइट्स होते हैं, वो लाइसेंस्ड याफ्ता होते हैं SEC से। ठीक है, SEC से लाइसेंस याफ्ता होते हैं, PSX की मैनेजमेंट जो है, PSX जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चल रही होती हैं। तो ब्रोकर जो है उसके पास पूरा प्रॉपर लाइसेंस होता है, उसके पास सारी चीज़ों की अप्रूवल होती है वो ट्रेडिंग करने की। ठीक है, अभी जो करंट गवर्नमेंट के हिसाब से जो स्टॉक सेल्स चल रही है, तो डाउन की तरफ जा रही है, अप की तरफ जा रही है? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उनकी जब से टीम आई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बनाई हैं, और ग्रास रूट लेवल पे जो उन्होंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा तब्दील किया है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ भी हुई हैं, जो सोसाइटी की खुद की एक अवेयरनेस होती है, तो उस वजह से चीज़ें रियलाइज़ भी हुई है, जिसमें PSX की मैनेजमेंट है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा यानी ऊपर आके चीज़ों को मेंटेन किया है, चीज़ों को देखा कि कहाँ कहाँ जो है वो फ्लॉज हैं, किन किन चीज़ों पे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं उनकी तादाद भी बढ़े और मार्केट भी जो है वो फले फूले। ये कैपिटल मार्केट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो इन्वेस्टर ना सिर्फ अपना फ़ायदा करता है, बल्कि मुल्क अवामन नास का भी फ़ायदा करता है, इससे इकोनॉमी भी ग्रो करती है, क्योंकि आप जो है वो कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्वेस्टर का जो मेन फोकस होता है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट पे होता है, जैसे रियल स्टेट हो गया, वन ऑफ द एग्जांपल। तो रियल स्टेट है ना, वहाँ पे आपका ब्लैक मनी डंप हो जाता है, वहाँ पे जो है वो आप है ना इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनते। ठीक है, आप अपनी मफाद का, आप अपनी जाती मफाद का वो करते हैं, इससे आप अपनी जनरेशन को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। रीज़न इस तरह है कि अगर रियल स्टेट बढ़ता जाएगा, जिस हिसाब से बूम कर रहा है और वो बढ़ता जाएगा, वो एक चीज़ बनती जाएगी, तो आगे जो आपकी जनरेशन है वो भी है ना उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। अगर उसने घर बेच दिया, आज आप देखें कोई भी घर बेच देता है तो उसके पास कुव्वत खरीद नहीं होती वो दूसरा घर लेने की, अनटिल एंड अनलेस उसके पास उतनी पेमेंट रिक्वायर्ड हो एक्स्ट्रा कि वो उसको मिला के और है ना घर खरीद सके। अभी घर के रेट आप देखें कहाँ से यानी लोगों की पहुँच से बाहर चले गए, इस तरह का नॉन प्रोडक्टिव एसेट दूसरा है वो यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लोग गाड़ियों पर इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ियों के ओन पे उस पर काम करते हैं। अब ये जो है ना डेप्रिशिएट होने वाली चीज़ है, ये गिरने वाली चीज़ है, बाहर मुमालिक में आप देखें तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है, हमारे यहाँ पे लोगों ने उसको एसेट बना के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो भी जो है वो एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी को एक लग्जरी चीज़ बना दी है। अब आप देखें छोटी से छोटी 660 सीसी वाली गाड़ी भी जो है वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे के यानी कुव्वत खरीद से बाहर चली गई है, जिसकी रेंज अगर 50,000 रुपये सैलरी है मैक्सिमम, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है यानी बैंक से लीजिंग कराने, बैंक से लोन लेने के लिए। तो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो मईशत है वो कभी नहीं सुधरेगी। इसमें देखें दो रोल्स हैं, गवर्नमेंट का तो अपना रोल है, इस तरह अवामन नास का भी रोल है कि हम जो है किस तरह से यानी अपनी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, कितने बजे से स्टार्ट होता है बिज़नेस का यहाँ पे, टाइमिंग्स क्या होती हैं? फर्स्ट मतलब मैंने सुना है कि यहाँ पे एक रिवायती घंटा है मेरे ख्याल से लगा हुआ है जी, उसको बजाया जाता है। ये चीज़ है, ये मुझे बताएं कि ये बिज़नेस स्टार्ट होता है जब, तो उस वक्त इसको बजाया जाता है? देखें पहले जब रिंग का माहौल था, जब कंप्यूटराइज चीज़ें नहीं थी, ठीक है, जब रिंग का माहौल था, पर्ची सिस्टम चलती थी और लोगों को आवाज़ें लगानी पड़ती थी बोलियों के लिए, तब ये गोंग बजता था, ये घंटी बजती थी, मार्केट स्टार्ट होती थी प्रॉपर। अब जो है ये एक फॉर्मेलिटी के लिए है, अब कोई नई कंपनी लिस्टेड होती है
ठीक है, नई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, तब एक प्रॉपर सेरेमनी होती है जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट की टीम जो होती है वो है, और PSX की मैनेजमेंट जो है, और कोई एक डिग्नेटरी होता है यानी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आके ये इसको गोंग बजाते हैं और एक सेरेमनी करते स्टार्ट किया जाता है। इस वक्त जो सारे नंबर्स चल रहे हैं मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे कि क्या चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, मुझे इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, बोर्ड पर क्या चल रहा है इस वक्त। अच्छा देखें, ये स्टॉक मार्केट में टोटल 540 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, ठीक है, 540 कंपनियाँ हैं जिन्होंने इस मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, इसमें से टॉप्स 100 कंपनीज हैं, ये KSE 100 इंडेक्स है, टॉप 100 कंपनीज, इनकी क्राइटेरिया होता है जिसमें PSX मैनेजमेंट जो है वो इनको यानी टॉप 100 कंपनीज में रखती हैं, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया से कंपनी को उतारना होता है, ठीक है, डिविडेंड देना, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग्स करना, वो चीज़ों पर अगर प्रॉपर उतरते हैं तो ये टॉप 100 कंपनीज में जाते हैं। KSE 100 इंडेक्स जो है हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, अभी जो करंट लेवल अगर आप इसका देखें तो 48,458 पे चल रहा है। अभी ये मार्केट उठी हुई है, मार्केट अभी 24 पॉइंट माइनस है, आज सूर्य अपने आपको मार्केट करेक्ट कर रही है, अपने आपको थोड़ा सेट कर रही है, अच्छा नए लेवल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लोकल इन्वेस्टर आपके पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद ज़्यादा हैं या इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आ रहा है? देखें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है ना वो पोटेंशियल जानता है, जो स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे स्टॉक मार्केट में काम करता है वो पोटेंशियल जानता है। वॉरेन बफेट जो है वो यानी इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, वो जो है अपने इन्वेस्टरों को 30% रिटर्न देते हैं जबकि हमारी मार्केट जो है वो 40% रिटर्न देती है। अच्छा। तो गोरा जो है फॉरेन इन्वेस्टर है वो इसकी पोटेंशियल जानता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसमें आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो उस हिसाब को इस चीज़ को अवेयर नहीं कर, यानी उसको अवेल नहीं कर सकता। अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए कोई आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट है, कोई इस तरह से कुछ है? देखें, अभी PSX मैनेजमेंट जो है वो यानी हमारे MD साहब हैं डॉक्टर फारूक एज खान साहब हैं, उनके अंडर में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी है ना टीम बन रही है, और मार्केटिंग के लेवल से वो आप नया लेवल देखेंगे स्टॉक मार्केट का, वो मार्केटिंग टीम जो बन रही है जिस हिसाब से इस मार्केट को यानी प्रमोट करेगी, तो वो जो है यानी टारगेट यही है कि इसको यहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं और इसको तकरीबन 10 लाख इन्वेस्टर करना है। चाइनीज़ इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस हो गया है, 40% स्टेक होल्डर हमारा चाइना है, और आगे जाके जो है ये चाइनीज़ इन्वेस्टर है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो उससे पहले उनका ये टारगेट है कि यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनकी तादाद बढ़े। ठीक है। अच्छा, ये मुझे एक छोटी सी और बात बताएं, जैसे हम लोग ड्रामास वगैरह में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि जी वो एक स्टॉक एक्सचेंज में हमने पैसे लगाए और रातों रात जो है वो हम अरबपति और करोड़पति बन गए, ऐसा कुछ सिनेरियो होता है या यहाँ पे टाइम लगता है इन चीज़ों को? देखें, यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करके काम जो करता है ना वो इस तरह के सिनेरियो बना सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी 1.20 रुपये का वाला एक स्क्रिप्ट था तकरीबन 1.5 महीना पहले जी, रमज़ान के महीने में आप लगाएं तो वो 1.20 रुपये पे था, आज 4.20 रुपये पे खड़ा है। अच्छा। तो लेकिन इस तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन सर्टेन टाइम जैसा भी होता है कि कुछ आपको है ना रियलिस्टिक चीज़ें नहीं बताई जा रही होती हैं क्योंकि उनका स्क्रिप्ट का तकाजा होता है। बिल्कुल सही। जैसा भी एक रिसेंट एक ड्रामा भी बना था जहाँ पर प्रेचराइज भी हुआ था, तो वो उसका स्क्रिप्ट का तकाजा ये था कि भाई वो रातों रात अमीर बन गया, तो वो कौन से ऐसी जगह से बना, तो वो फिर उन्होंने ये दिखाया कि स्टॉक मार्केट से वो रातों रात अमीर बन गया। लेकिन उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट से आप काम शुरू कर सकते हैं? मिनिमम आप 5,000 से भी काम कर सकते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम तो यानी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, समंदर है, जितना आप पैसा डालेंगे उतना आप रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर काम को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। कोई भी बिज़नेस अगर आप नहीं समझते, आप नहीं जानते, कितना भी अच्छा बिज़नेस हो, कितना भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो, चाहे वो कैटरिंग का बिज़नेस हो या यानी शोरूम का बिज़नेस हो, आपके कपड़ों की दुकान हो, लेकिन आप उस काम को अगर नहीं जानते तो आप उसमें नुकसान करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और मुझे यहाँ की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे कोई ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी यहाँ पर? किस तरह से मुझे नॉलेज होगी यहाँ की कि किस तरह से काम चल रहा है, ब्रोकर्स के पास किस तरह से जाना है, मुझे कहाँ किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी डिटेल मुझे कहाँ से मिलेगी? देखें, ये डिटेल्स आपको PSX की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट की अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी, उनके पास जो लिस्टेड ब्रोकर्स हैं, जो TRD होल्डर्स हैं, जो ट्रेडिंग राइट्स रखते हैं, उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी। ब्रोकरेज फर्म्स की खुद की वेबसाइट्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं उन्होंने बनाई हैं और पूरी डेलीगेटेड है सिर्फ है ना इन्वेस्टरों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी एक नई चीज़ और काविश की है, रोशन डिजिटल अकाउंट के बाद उन्होंने जो है ऑनलाइन फॉर्म्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की, एक नई चीज़ दी है, तो वो भी ब्रोकरेज हाउसेज ने उसको अडेप्ट किया है और ऑनलाइन भी जो है बैठ के बंदा ऑटोमेटिकली फॉर्म भर के और स्टॉक मार्केट में उस ब्रोकरेज हाउस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताएं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स इंग्लिश में होती हैं, ठीक है ना। अब मैं एक जाहिल आदमी हूँ और मेरे पास पैसा है,
और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उसका मैं किस तरह करूँगा, किस तरह से काम करूँगा? देखिए वो फिर आप फिज़िकली भी यहाँ आके फिज़िकली यहाँ आके, और आप यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, पूरी बिल्डिंग में ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप ब्रोकरेज हाउसेज के पास देख के कि वो मुझे सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कमीशन तकरीबन सबके यूनिफॉर्म कर दिया है, कमीशन किसी के ज़्यादा कम नहीं है, अच्छा, यानी फीसेज सबके एक जैसे तकरीबन एक जैसे तरीकेकार है। अब इन्वेस्टर को ये देखना है कि मुझे कौन सा ब्रोकर क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, और फैसिलिटी में आप क्या मांग सकते हैं, आया वो मुझे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके देगा, मेरे पैसों की रिक्वायरमेंट और मेरी उस बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके देगा। पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग में ये है कि आपके पास डिफेंसिव स्टॉक्स भी होने चाहिए, आपके पास अग्रेसिव स्टॉक्स होने चाहिए, आपके पास जो है जो कैपिटल गेन देते हैं वो स्टॉक्स होने चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स होने चाहिए, फिर पेनी स्टॉक्स होने चाहिए। तो आपके आपको पूरा जैसे अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लाख रुपए कोई लेके आता है तो उसके पास 5 स्क्रिप्ट का पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए, 20-20 हज़ार रुपये का उसने 5 स्क्रिप्ट लिए होंगे, 5 शेयर्स लिए होंगे, ठीक है। तो किसी एक कंपनी के ऊपर लगाना मुनासिब नहीं है, अलग अलग कंपनीज पर लगाना चाहिए, अलग अलग कंपनीज पर लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, जितनी वेराइटी आप रखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये प्रॉफिट मार्जिन या लॉस जो भी होता है वो एनुअल साल ख़त्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है? नहीं, वो आपको फ़ौरन मिल जाता है। अच्छा, फ़ौरन मिल जाता है, फ़ौरन मिल जाता है, और आपको आप उसको फ़ौरन निकाल सकते हैं, दो दिन के अंदर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये केबिन्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, ये किस तरह से बने हुए हैं, क्या ये लोग क्या काम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ बैठे हुए? ये सारे डीलर्स हैं और सारे एजेंट हैं ब्रोकरेज हाउसेज के, ठीक है, और ये वही फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन्वेस्टर को चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर यहाँ आके इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और इनके ब्रोकरेज हाउसेज के और इनकी सर्विसेज क्या हैं, ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं, रिसर्च आया इनकी कितनी अच्छी है, क्या चीज़ें हैं, वो पहले जज करके, ठीक है, पहले एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करके काम को सीख लें, काम को समझ लें, इसके बाद आप जाके बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट बड़ी इन्वेस्टमेंट करना तो वो नुकसानदेह होगा, वो एक तरह से वाइज डिसीजन नहीं होगा इन्वेस्टर के लिए। पहले आए यहाँ पे चीज़ों को देखें, छोटी सी अमाउंट डाल के चीज़ों को समझे कि वो मुझे सर्विसेज क्या दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 240 ब्रोकर्स हैं तो वो सबके सर्विसेज देने के काम तरीका कार अलग है। आप एक कोई 5-स्टार होटल जाएं, आप एक सड़क पे जो ढाबा है वहाँ का खाना खाएं, तो दोनों में फ़र्क चीज़ होगी। हाँ, तो वो वेराइटी अगर आपको चाहिए, यानी देखना है कि मेरे को क्या सर्विसेज मिल रही है, क्वालिटी चीज़ क्या मिल रही है, तो वो पहले आपको जज करना होगा। छोटी सी अमाउंट लेके आप उस ब्रोकर के पास आएंगे, उस वो ब्रोकर के काम करने का तरीकेकार देखेंगे, वो आपको क्या गाइड कर रहा है, राइट टाइम पे राइट बाइंग करा रहा है नहीं करा रहा है, वो चीज़ जज के फिर आपको कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। सिचुएशन के हिसाब से मुझे बताएं कौन सी कंपनी ऐसी है जो सब ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है? OGDC है, अच्छा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रही है और आगे जाके और उम्मीद लग रही है कि जैसे अभी रशियन प्रेसिडेंट भी आएंगे पाकिस्तान विजिट करेंगे, तो यानी ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो ज़्यादा अच्छी यानी जाती हुई लग रही हैं। इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा उसमें गुंजाइश है, बूम उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो एक बूम बना सकता है। रिफाइनरी सेक्टर्स हैं उसमें, खासतौर पर बाइको का जो शेयर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत एक अच्छा पोटेंशियल बना सकता है। करूँगा कि टोटल 22 करोड़ की आबादी है, इसमें से 22 लाख लोग जो है वो टैक्स पेयर हैं और सारा बर्डन टैक्स का उन्हीं में। मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि जो यहाँ पे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं, उनको टैक्स वगैरह भी पे करना होता है, उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नॉन फाइलर के लिए 30% है, और अभी गवर्नमेंट ने जो है कैपिटल गेन 12.5% कर दिया फाइलर के लिए, तो कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो वो इसीलिए किया है डिस्करेज करने के लिए कि कैपिटल यानी जो इन्वेस्टर आए और वो आके स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को रजिस्टर कराए FBR से, वो प्रॉपर टैक्स फाइलर बने और इस इकोनॉमी का पार्ट बने और उसको डॉक्यूमेंटेड कराए। अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल मार्केट में PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड इदारा है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेड हैं और वो इकोनॉमी का यानी वाइट पार्ट है, वो जो है इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू ऑडियंस। आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको स्टॉक्स एक्सचेंज के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई हमने, यहाँ पे लोगों से मिलवाया भी, आपको उनके रिव्यूज़ भी दिए, किस तरह से बिज़नेस होता है यहाँ पर वो डिटेल भी आपको सारी बताई गई। तो यकीनन आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। रिमाइंड करवा दूं कि इस तरह की वीडियो किसी भी YouTube चैनल के ऊपर इससे पहले कभी नहीं मिली होगी, फर्स्ट टाइम YouTube हिस्ट्री में आपको ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो अंदर की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम मिल रही है। तो हमारे साथ रहिए, जाइएगा नहीं,
अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।